नमस्कार, मैं शेफाली कुक्कड़ फाइटर समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। आज गुरुवार रात लगभग 2 बजे मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन कर दिया गया। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद विभागों का बंटवारा हो गया। इसके लिए दिल्ली में लंबी माथापच्ची चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल दिन भर दिल्ली में डेरा डाले रहे। इस माथापच्ची के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वित्त, आबकारी, आयोजना नीति, आयोजना, कार्मिक सामान्य प्रशासन, आईबी, डीओ, आईटी, गृह व न्याय विभाग रहेंगे। उप मुख्य सचिन पायलट के पास पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग रहेंगे। शांति धारीवाल के पास स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवास, विधि एवं विधिक कार्यविधि, परामर्श कार्यालय, संसदीय मामलात विभाग होंगे। इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना जनसंपर्क विभाग रहेगा। इसी प्रकार बीडी कला, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, भूजल, कला साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग रहेंगे। विश्वेंद्र सिंह के पास पर्यटन, देवस्थान, लालचंद कटारिया के पास कृषि पशुपालन, गोविंद डोटासरा के पास शिक्षा, देवस्थान, ममता भूपेश के पास महिला बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामले, अभियोग निराकरण तथा प्रसादी लाल मीना के पास उद्योग, राजकीय उपक्रम विभाग, मास्टर भवरलाल मेघवाल के पास सामाजिक न्याय अधिकारिता और आपदा प्रबंधक सहायता विभाग, प्रमोद जैन भाया को खान और गोपालन विभाग, हरीश चौधरी को राजस्व, कृषि संचित क्षेत्रीय विकास एवं उपयोगिता, रमेश चंद मीना को खाद एवं नगरी को आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, उदयलाल अंजना को सहकारिता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, साले मोहम्मद को अल्पसंख्यक वक्फ अभियोग निराकरण विभाग सौंपे गई, अर्जुन सिंह बामनिया को जनजातीय क्षेत्रीय विकास, भंवर सिंह भाटी को उच्च शिक्षा, सुखराम विश्नोई को वन, अशोक चांदना को युवा मामले खेलकूद, टीकाराम जुली को श्रम विभाग, भजनलाल जाटव को गृह रक्षा नागरिक सुरक्षा, राजेंद्र सिंह यादव को आयोजना जनशक्ति प्रभार, सुभाष गौरव को तकनीकी शिक्षा को स्वतंत्र प्रभार सौंपे गए हैं। इसी प्रकार 3 दिन से बिना विभाग के बैठे मंत्रियों को विभागों का आवंटन होने से यह अपने ऑफिस में कामकाज को शुरू कर सकेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.